प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा चुके हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको और भी कराते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहें और अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्राप्त करते रहें। ज़रा ध्यान दें, हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, उसी के आधार पर आप अपना आंसर या सलूशन कर सकते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन आपका क्या है, 110.100 को यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करो, मतलब मासा निकालना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मासा निकालना है। HCF को क्या कहते हैं हिंदी में, मासा ज्ञात करो। ठीक है, आगे आप देखिए अपने आंसर या सलूशन में आपको क्या है, छोटी संख्या से भाग देना होता है। ज़रा ध्यान रखें इसमें, आप छोटी संख्या से आप भाग देंगे किसको, 110 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, भाग देने के बाद में 100 एकम 100 आपका क्या बचेगा, 10। जो 10 आपका बचेगा जिससे आपने भाग दिए जिस संख्या से, वो 10 उसको भाग कर देगा, वो जो 10 है, जो भी आपकी संख्या है वो उससे भाग करेगा, 10 दाम 100। तो जहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, जरा आप ध्यान दें, सबसे मेन बात है ये, जहाँ पर आपको 0 मिलेगा जिस संख्या से भाग जाने पर, वही आपका आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, इस वाले से हमें 0 मिला इस संख्या से, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा ये आपका आंसर, HCF कितना हो जाएगा आपका, 10। ज़रा ध्यान दें, जिस लास्ट में जिस संख्या से आपको 0 मिलेगा या पूरी पूरी कट जाएगी, वही आपका HCF कहलाएगा। HCF हिंदी में क्या कहते हैं, मासा कहलाता है। आप वीडियो को बार बार देखते रहें, वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।